दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन बार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Google के फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन के बारे में। मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि आपका जो डिवाइस अगर खो जाता है तो सिंपल तरीके से आपको Google के फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन में जाना है और आपका चोरी हुआ या फिर गुम हुआ डिवाइस फटाक से मिल जाएगा। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? क्या क्या चीज़ें जब पड़ती हैं जरूरत फाइंड माई डिवाइस के एप्लीकेशन में जिसकी वजह से आपका फोन जो है वो खोया हुआ मिल सकता है? ऐसा किस चीज किस स्टेप पे ये सभी चीजें पॉसिबल है उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, या फिर ये कह लीजिए कि पूरी रियलिटी बताने वाला हूँ आपको फाइंड माई डिवाइस के एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। कोई तरीका है भीख मांगने का? So, दोस्तों कई सारे वीडियोस आपको YouTube पे देखने को मिल जाएंगे जब ये सर्च करेंगे तो कि कैसे अपना गुम होया हुआ डिवाइस या फिर चोरी हुआ हुआ डिवाइस लौटाए, वापस लाए, उसकी करंट लोकेशन देखें। बहुत सारे टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर आपको क्लियरली एक ही एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है, गूगल के फाइंड माई डिवाइस वाले एप्लीकेशन को, जहाँ से आप अपने मोबाइल को खोज सकते हो, करंट लोकेशन का पता लगा सकते हो। क्या ऐसा सच में किया जा सकता है? तो सिंपल सा आंसर है यस, किया जा सकता है। बट कब किया जा सकता है? जब आपके फोन में इंटरनेट इनेबल होगा तभी किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि आपका फोन अगर गुम हो जाता है, आपके फोन में अगर इंटरनेट इनेबल है तभी आप अपने फोन को यहाँ पर खो सकते हो या फिर खोज सकते हो। अगर खोया हुआ फोन है तो इंटरनेट जो कंपलसरी है वो होना चाहिए आपके खोए हुए डिवाइस में। सपोज अगर आपका फोन खो जाता है और कोई यहाँ पर उसे पा लेता है या फिर किसी को मिल जाता है, अगर उसने मोबाइल को जो है वो स्विच ऑफ कर दिया या फिर चोरी हुआ हुआ डिवाइस को उसने स्विच ऑफ करके रीसेट कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में इम्पॉसिबल है आपका फोन मिलना फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन के द्वारा। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन इस तरीके से वर्क करता है कि आपके डिवाइस का जो भी ईमेल है, जिस जो खोया हुआ डिवाइस है, चोरी हुआ हुआ डिवाइस है, अगर उसमें का ईमेल और पासवर्ड आप किसी दूसरे मोबाइल में डाल के वहाँ पर डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हो, जब आपके खोए हुए डिवाइस में इंटरनेट इनेबल होगा तभी आपके डिवाइस में यहाँ पर कनेक्शन होगा और उसके बाद आप उसकी जो करंट लोकेशन है तभी आप उसे पता लगा सकते हो जब उस डिवाइस में जीपीएस सिस्टम जो है वो ऑन होगा। हालांकि आप फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन से डिवाइस के जो डेटा को इरेज कर सकते हो, खोए हुए डेटा के डिवाइस को इरेज कर सकते हो, बट ये इम्पॉसिबल है कि आपका अगर फोन खो जाता है और आपके खोए हुए फोन में यहाँ पर इंटरनेट इनेबल नहीं है, तो मैं श्योर हूँ यहाँ पर आपका 100% डिवाइस जो है वो फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन से नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे से यूट्यूबर हैं जो वीडियोस अपलोड करके आपको यहाँ पर बहुत ही बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ऐसे इस बात पे क्लियरिटी देना मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को कभी भी यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन के बारे में बता के थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता, बिल्कुल क्लियर चीज़ें उनके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वालिटी कंटेंट वीडियोस डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।